टाटा ग्रुप एक ऐसी कंपनी जिसे भारत की शान कहा जाता है। लेकिन इसे भारत की शान यूं ही नहीं कहा जाता, इसके पीछे छिपा है एक लंबा इतिहास। आप चाहे रेगिस्तान में हो या पहाड़ों पर, चाहे गांव में हो या शहरों में, टाटा ग्रुप की कोई ना कोई चीज आपको अपने आसपास जरूर दिखेगी। फिर चाहे वो नमक हो, चाय हो या फिर ट्रक, बस हो या फिर गहने, टाटा ग्रुप एक ऐसा समूह है जिसकी खासियत ही यही है कि हर किसी से ये जुड़ा हुआ है। इसकी पहुंच गरीब से लेकर अमीर तक है। देश में शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां टाटा की कोई चीज मौजूद ना हो। आइए जानते हैं टाटा ग्रुप के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। साल 1868 में स्थापित टाटा ग्रुप का कारोबार भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 175 देशों में फैल चुका है। इसके फाउंडर जमशेद जी टाटा को फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। भारत की पहली स्वदेशी कार बनाने का श्रेय टाटा ग्रुप को ही जाता है। इस कंपनी ने साल 1958 में पैसेंजर हैचबैक कार टाटा इंडिका बनाई थी, जो कि पहली स्वदेशी कार थी। टाटा कई दशकों से सेना के लिए आर्म्ड ट्रक और कॉम्बैट रेडी व्हीकल्स की सप्लाई कर रहा है। दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाने का सेहरा भी टाटा ग्रुप के सिर पर ही बंधा। साल 2008 में आई नैनो की कीमत 1 लाख रुपए के करीब थी। टाटा ग्रुप ने कभी भी शराब या तंबाकू बिजनेस में निवेश नहीं किया। साथ ही इस कंपनी ने कभी बॉलीवुड की किसी फिल्म में फाइनेंस भी नहीं किया। साल 1952 में टाटा ग्रुप ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऑफिस के अनुरोध पर देश में कॉस्मेटिक्स का लैक्मे ब्रांड शुरू किया। टाटा ग्रुप में करीब 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं। ये रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी है। देश में अब तक केवल एक ही उद्योगपति को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया है। वो शख्स है जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, यानी JRD टाटा। टाटा ग्रुप ने ही सबसे पहले कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी तय की थी। कर्मचारियों के लिए फ्री मेडिकल सर्विस और भविष्य निधि योजना की भी शुरुआत की गई। किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाने की स्थिति में टाटा ने ही सबसे पहले मुआवजा देने की पहल शुरू की थी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।